नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ निकल के आती है या कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है जिसे आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम आपके लिए जो है एक वीडियो लेके आते हैं। उसी कड़ी में जो है एक और वीडियो आपके हम लेके आए हैं, इसमें आपको बताएंगे कि क्या ये जो गिरावट चल रही है आपकी अपॉर्चुनिटी है कि इस शेयर में अपनी बाइंग कर लें, या जो है ये आपके लिए सही समय नहीं है इसमें बाइंग करने का, इस मौके का आपको फायदा अभी उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। और इसके अलावा बात करेंगे कि इसके आगे के क्या टारगेट हैं, अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या इसमें आगे करना चाहिए, और आपको फ्रेश बाइंग किस लेवल पर करना सबसे अच्छा रहेगा, ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और साथ ही साथ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आकर जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको जो है फ्री में इंट्राडे ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं वो सारी चीज़ें जो है हम आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। इस ग्रुप के ट्रेडर को लेकर हमारे मेंबर्स काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप भी इसी प्रकार से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि हम आपको इस ग्रुप में जो फैसिलिटी देते हैं वो सारी जो है आपको फैसिलिटी मिल जा रही है। क्योंकि हम देखिए, कोई भी न्यूज़ आती है किसी भी स्टॉक में, कोई भी नोटिफिकेशन आता है सेबी की तरफ से या कोई भी अपडेट आता है सेबी की तरफ से, सबसे पहले हम इसी ग्रुप में पोस्ट करते हैं ताकि आप मार्केट को लेकर हमेशा अपडेट रहें। आपको जो है सारी चीज़ें एक ही ग्रुप में प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसलिए आपको ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। किसी भी प्रकार का आपको लॉस नहीं होगा इस ग्रुप में ज्वाइन करने से। और कुछ दिन पहले जो है हमने आपको एक जो है लिस्ट भी दी है पेनी स्टॉक की, और आपको लॉन्ग टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक हैं वो भी हमने आपको प्रोवाइड किए हैं इस ग्रुप में। उस लिस्ट को जाके भी आप चेक कर सकते हैं, जो लिस्ट है इसी ग्रुप में पड़ी हुई है, तो आप जाके इसको चेक कर लीजिए। लिंक जो है ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कैसी क्या ट्रेड चल रही है इसमें रतन इंडिया एंटरप्राइज में। तो आप देखें, इसमें जो ओपनिंग हुई थी 41.47 रुपये पे इसमें जो ओपनिंग हुई थी, हाई लगाया इसने लगभग 42 रुपये का। और देखिए, इसमें काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन देखने को मिला है, काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 1.25 रुपये की आज गिरावट आई है, 3% इसमें जो है आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, और ये 40.45 रुपये पर ये पहुंच चुका है। वन वीक के हाल देखें तो वन वीक में देखें भारी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 6.35 रुपये की गिरावट इसमें देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 13.5% गिर चुका है ये शेयर सिर्फ और सिर्फ एक वीक में। वन मंथ का डाटा देखें तो वन मंथ में ऑलमोस्ट 8.10 रुपये की गिरावट और ऑलमोस्ट 16.68% की गिरावट इसमें एक महीने में देखने को मिल रही है। अगर गिरावट का बात करें कि गिरावट क्यों आ रही है, तो गिरावट का रीज़न है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, और इसके अलावा जो है इसका अभी जो है लोग जो परेशान हो चुके हैं, तो जो लोग परेशान हैं इसलिए इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मात्र इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही एक रीज़न है जो गिरावट है, बाकी कोई भी इसमें नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ हो। बाकी कंपनी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उसका रीज़न क्या है कि कंपनी भविष्य में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी जो है ड्रोन जो लॉजिस्टिक का काम होता है उसमें कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एक यूएसए की कंपनी है। उसके अलावा ये कंपनी जो अपना रिवोल्ट मोटर से जो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल की टू व्हीलर जो अपने व्हीकल होते हैं उसकी सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, उस कंपनी में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी का काम जो है काफ़ी अच्छा है रतन इंडिया एंटरप्राइज का। कंपनी फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो कंपनी बिल्कुल भरोसा करने के लायक है। तो किसी भी प्रकार का नेगेटिव चीज़ इसमें कंपनी में देखने को नहीं मिलता है, मात्र प्रॉफिट बुकिंग ही है जो इसमें देखने को मिल रही है। इसी वजह से जो है गिरावट आई है, लेकिन बहुत जल्द फिर से इसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी, ये बात बिल्कुल तय है। तो हम चलते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट पे कौन सा लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चार्ट पे आपको याद होगा हमने आपको एक 43.60 रुपये का लेवल दिया था सपोर्ट का, आपको बहुत अच्छा याद होगा। हम ये जो लेवल है काफ़ी दिन से आपको प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं, तो ये देखिए अब ये सपोर्ट टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखिए ये हमारी जो 40.65 रुपये का लेवल था, अब ये यहाँ तक पहुँचता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल था हमारा सेकंड सपोर्ट, अब ये यहाँ तक पहुँचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी क्रूशियल मोमेंट पर आ चुका है। अगर ये लेवल तोड़ के नीचे जाता है, मतलब कि कम से कम इसके नीचे 2 दिन क्लोजिंग दे देता है, तो ये फिर शेयर काफ़ी ज़्यादा आपको नीचे जाता हुआ देखने मिलने वाला है। फिर ये ऑलमोस्ट आपको 30 रुपीज़ के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर अभी हम बात करें कि इसमें नीचे की बात नहीं करते हैं, नीचे जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे जाने के अब काफ़ी कम चांसेस हैं। अगर ये लेवल टूट गया तो फिर बहुत दिक्कत आपको देखने मिलने वाली, मतलब कि ये अब आपके अलर्ट टाइम पर आ चुका है। अगर ये लेवल टूट गया तो फिर मैं तो यही बोलूँगा कि आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, फिर आपको जो है इससे एग्जिट कर लेना, अगर इसके नीचे 2 दिन क्लोजिंग देता है तो। अगर आपने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया है, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने के लिए आए हैं तो लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए इसका RSI भी, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं एक्जैक्टली, तो इसका RSI लगभग 30 के आसपास का, इसका RSI पहुंच चुका है 31-32 के आसपास का। तो ये ओवरसोल्ड इनमें ऑलरेडी चल रहा है, मतलब कि इसमें ओवरसोल्ड जो में चल रहा है इसका
तो उसका आपको फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जल्दी इसमें आपको तेज़ी देखने को सकती है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है ये कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में खरीदना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे प्राइस पर ये मिल रहा है, तो आप इसको खरीद के लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं आराम से। 2-3 साल इसको होल्ड कीजिए, काफ़ी तगड़ा पैसा मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे चुका है। और आपको जो अगर इससे चाहते हैं पैसा बनाना, तो अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए। अभी थोड़ा सा हल्का सा वेट कर सकते हैं आप कुछ दिन, मतलब कि अभी बाई मत कीजिए क्योंकि आज ही बाई कर लें, आज बाई मत करें, अभी इसको एक लेवल पर सस्टेन कर देने दीजिए। क्योंकि काफ़ी दिन से देखिए इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, देखिए काफ़ी हैवी कंसोलिडेशन चल रहा है, और कंसोलिडेशन बाद जो ये चल गया है ये नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन पूरा किया इसने और ये नीचे गया, मतलब कि इसमें बहुत जल्द आपको फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है, ये बात बिल्कुल तय है। तो आपको जो काम करना है अभी इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको 40 रुपये 65 पैसे पर बाई करना है इसको। अगर आपको बाई करना है तो आप इस लेवल पर बाई कर सकते हैं, और आपका टारगेट रहेगा कौन सा, 48 रुपीज़ 85 पैसे का टारगेट नंबर 1, और 65 रुपीज़ 80 पैसे का टारगेट नंबर 2, और 70 रुपये 50 पैसे का आपका टारगेट नंबर 3। ये आपके जो है टारगेट रहेंगे आगे आने वाले समय के लिए, आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट जो है वो आपका 70 रुपये 50 पैसे का रहेगा। और इसमें जब ये तेज़ी आएगी तो तेज़ी से भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, ये बात बिल्कुल तय है। तो अगर आपको बाई करना है तो बाई के लिए इसमें अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, आप अभी थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए एक लेवल पर, जब ये सस्टेन कर जाए तब जाके जो है इसमें बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इसको होल्ड कीजिए, आपका जितना भी लॉस हो गया है तो आराम से आपका लॉस कवर हो जाएगा। हमने आपको याद होगा कि पहले भी मना किया था कि बाई मत कीजिए, बाई मत कीजिए ऊपर के लेवल पर, तो गलती से भी बाई करने के लिए हमने आपको जो है मना किया था, और आपने ऊपर बाई कर लिया होगा तो आप जो है काफ़ी लॉस में चल रहे होंगे। तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाई मत कीजिए, थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए एक लेवल पर। जब ये बाई का सही समय आएगा मैं आपको खुद बताऊंगा, पर्सनली ग्रुप पर डाल दूंगा या एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि आपको अब बाई इसको करना चाहिए। तो अभी बाई ना करें, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर तो जाके आप इसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उसमें आप जो है इसको होल्ड कीजिए, इसको आप लॉन्ग टर्म में जाइए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा इससे बनेगा। बाकी आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, मतलब कि आपको अगर इसमें गिरावट आपको देखने को मिलती है और ये 40 रुपये 65 पैसे के नीचे जाता है, दो दिन इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो आपको जो है इससे निकलने का फिर ट्राई आप कर सकते हैं। अगर आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी मैं तो बोलूँगा कि आप इसको होल्ड ही कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो है आपके ये लेवल बहुत अच्छे मैंने प्रोवाइड किए हैं, इन लेवल के हिसाब से अपनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका टारगेट नंबर 1 जो है आगे के लिए वो आपका है 48 रुपये 85 पैसे का, क्योंकि इसमें वॉल्यूम देखिए इसमें सेलिंग हो रही है काफ़ी तगड़ी, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग इसमें अभी भी चल रही है। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आके जुड़ जाइए। इसमें हम आपको काफ़ी सी फैसिलिटी दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, इंट्राडे गेट में BTST स्टॉक सब प्रकार के स्टॉक आपको जो है इस ग्रुप में मिल जाएंगे, जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें अपना पैसा लगाने से पहले। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।